अगर आपको भी WhatsApp के अंदर वीडियो कॉल करते समय या फिर अदर कोई भी प्रोसेस करते समय ये वाली प्रॉब्लम दिख जाती है तो कैसे आप इसको ठीक करोगे? यहाँ पे हमारी कैमरे से रिलेटेड इशू है, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक करने वाले हैं या फिर कैसे ये प्रॉब्लम आपकी ठीक होगी, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को यहाँ पर आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम है, इसको ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले इसको बंद कीजिएगा, व्हाट्सएप को बंद करेंगे। उसके बाद व्हाट्सएप को बंद करने के बाद यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले तो अपने फ़ोन की सेटिंग खोलनी है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऐप्स का, ठीक है। ऐप्स के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा, फ़ोन के सारे ऐप्स आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमें व्हाट्सएप एप्लीकेशन जो है ढूंढनी है, तो इसके लिए हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको व्हाट्सएप की जो ऐप है वो मिल जाएगी, तो उसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको स्टोरेज में जाना है, स्टोरेज एंड कैचे में जाकर इसका क्लियर कैच करना है, सिर्फ क्लियर कैच करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करके कैच यहाँ से क्लियर कीजिएगा। उसके बाद बैक आने पर यहाँ पे आपको परमिशन मिलती है, परमिशन बटन पर यहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है। परमिशन पे जाने के बाद यहाँ पे कैमरे की जो परमिशन है, अगर आपने गलती से इसको डिसअलाउ कर रखा है तो इसको आपको अलाउ कर देना है, कैमरा यहाँ से ऑन कर लेना है। जैसे आप कैमरा ऑन करेंगे अपने व्हाट्सएप में जाइएगा और चेक कीजिए आपकी यहाँ से जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है अपनी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। बाकी अपने व्हाट्सएप को अपडेट कीजिएगा, इसके लिए प्ले स्टोर खोलेंगे, ऊपर सर्च बार में आपको व्हाट्सएप सर्च करना है। जैसे हम यहाँ पे व्हाट्सएप सर्च करेंगे हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी, तो इसको आप अपडेट कीजिएगा। अगर अपडेट शो होता है तो यहाँ से आप जो है अपडेट कर लीजिएगा। तो ये प्रोसेस है। अगर आपको वीडियो यहाँ पे अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।